नमस्कार, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं राजनीति। 2019 अभी दूर है, लेकिन हाल के सियासी माहौल को देखकर मोदी विरोधियों की बाचे खिलने लगी है और कुछ बीजेपी खुद ऐसा कर रही है कि जनता के साथ साथ सहयोगी भी विरोध में उतरने लगे हैं। राजस्थान उपचुनाव में जनता ने बीजेपी से दूरी बनाई तो 2019 में बीजेपी से अलग लड़ने का ऐलान करने वाली शिवसेना ने कहा कि ये तो इंटरवल है, पूरी फिल्म 2019 में दिखाई जाएगी। जहां महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी से दूर हो रही है तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू बीजेपी से नाराज हैं। बड़ा सवाल यह है कि 2019 में जनता कौन सी फिल्म दिखाएगी। मोदी विरोधियों को मिली उपचुनाव में जीत से ऊर्जा, बीजेपी की हार पर विपक्ष का करारा वार। उपचुनाव तो झांकी है, 2019 अभी बाकी है। राजस्थान से बीजेपी के लिए रेड अलर्ट आया तो बीजेपी की हार में अपनी जीत खोज रहे विपक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बीजेपी को पानी पी पी कर कोसने वाली शिवसेना की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। कांग्रेस से ज्यादा खुश तो शिवसेना नजर आई। शिवसेना नेता संजय राउत ने तो यहाँ तक कह डाला कि गुजरात चुनाव ट्रेलर था, राजस्थान का उपचुनाव इंटरवल है और 2019 में पूरी फिल्म का शो होगा। ट्रेलर तो गुजरात में दिखा था, मैं मानता हूँ। जो ट्रेलर है 2019 का वो राजस्थान में नहीं, हमने गुजरात में देखा है। राजस्थान तो इंटरवल है, अब पिक्चर बाकी है, वो हम दिखाएंगे। आपको बता दें कि राजस्थान उपचुनाव के नतीजे बीजेपी को झकझोरने वाले रहे। यहाँ हुए 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली और तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में चली गईं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने भी इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कि आप इस जीत को हमारा ट्रेलर मत मानिए। आप इस जीत को अगर ट्रेलर मानना है तो जनता की उस तकलीफों के जो एक उन्होंने उसका एक आगाज किया है, उन्होंने जिस तरह से जनता ने खुलकर जो है विरोध किया है, सबसे मजबूत सीट विधानसभा की थी भीलवाड़ा, वहां पर जो बीजेपी हारती है, ये ट्रेलर नहीं है, ये सच सही माने में ये लिटरेचर है। ये वो किताब है जिसको शायद बीजेपी और मोदी सरकार पढ़ नहीं पा रही। आपको बता दें कि शिवसेना लगातार बीजेपी पर हमलावर है। संजय राउत ने बजट को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भी हमला बोला और कहा कि जेटली का आम बजट 2018 काफी अच्छा है लेकिन केवल कागज पर। साथ ही 2019 में अकेले चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि पीछे हटने का सवाल ही नहीं है, एक बार छोड़ा गया बाण वापस नहीं आता है। कि शिवसेना का जो शब्द होता है वो जो तीर छूटता है वो वापस नहीं आता है। कभी बंदूक की गोली है, हमारी बोली यानी बंदूक की गोली है, छूट गई वो छूट गई। बेसिकली बात ऐसी है, 2014 में ही बीजेपी ने हमसे गठबंधन तोड़ा था, हमने नहीं तोड़ा है, ये ध्यान में रखिए आप। दरअसल एनडीए की सबसे पुरानी साझेदार रही शिवसेना ने 2019 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर शिवसेना ने साफ कर दिया था कि अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि आगे के लिए भाजपा के साथ चलना मुश्किल होगा। शिवसेना 2019 के आम चुनाव और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। आणि ही प्रतिनिधि सभा ठराव करीत आहे कि शिवसेना यापुढे स्वाभिमानानेच वाटचाल करी व 2019 लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका या स्वबळावर लढू। सिर्फ शिवसेना ही नहीं, आंध्र प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी भी दूरी बनाती नजर आ रही। कुछ दिनों से दोनों दलों में मनमुटाव दिख रहा था। उधर बजट में अपेक्षित फंड न मिलने से आहत टीडीपी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी की आपात बैठक बुलाई। पार्टी के एक सांसद ने तो बीजेपी के खिलाफ वॉर छेड़ने की घोषणा तक कर दी। सो रिसेंटली यू कैन सी महाराष्ट्र एंड कर्नाटक दे हैव गिवन ए स्पेशल फंड्स टू देम, फ्रेंडली रूलिंग पार्टी दे आर नॉट गिविंग, व्हाट एवर दे हैव टू गिव लेट देम गिव इट, देन वी विल डिक्लेयर अ वॉर। नाउ वी आर गोइंग टू डिक्लेयर अ वॉर। चंद्रबाबू नायडू ये संकेत दे चुके हैं कि वो एनडीए से दोस्ती खत्म कर सकते हैं। उधर आंध्र प्रदेश में भी काफी दिनों से चर्चा है कि जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।